अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और भाई मैं आप लोग क्या बताऊँ, अब तो ऐसा लग रहा है ना कि सैमसंग बिल्कुल ही शाओमी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। सैमसंग ने कसम खा लिया है कि शाओमी तुम बच के रहना, अगर तुम्हारी बर्बादी कोई कर सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा सैमसंग वाले बोल रहे हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक रहा है तो वो है दोस्तों शाओमी का। शाओमी ने बिल्कुल ही कब्जा करके रख लिया है, चाहे वो मिड रेंज की बात कर ले, चाहे वो बजट रेंज की बात कर ले। हालांकि दोस्तों प्रीमियम में शाओमी कभी भी अच्छा नहीं कर पाया है, लेकिन दोस्तों मिड रेंज की जो मार्केट है वो बिल्कुल ही शाओमी ने कब्जा करके रखा है। अगर आप कहीं भी देखेंगे, किसी के हाथों में भी अगर कोई फोन देखेंगे तो वो कोई ना कोई शाओमी का फोन होता है। मतलब कि दोस्तों यहां पर शाओमी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग जो है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही अच्छा देते हैं, यानी कि उनके फोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, हार्डवेयर बहुत ही अच्छी होती है और जो प्राइस है वो काफी बजट में होती है, काफी कम होती है। इस वजह से दोस्तों शाओमी काफी ज्यादा बिकता है। और उसके बाद दोस्तों लगभग 2 सालों तक उन्हें पीछे करने वाला कोई भी ब्रांड नहीं आ पाया। बहुत सारे ब्रांड्स आए, बहुत सारे सोचे कि हम इसे पीछा करेंगे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए और शाओमी हमेशा नंबर वन बना रहा। लेकिन दोस्तों फाइनली 2018 में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए, जैसे कि आसूस आया, रियलमी आया और भी कुछ कुछ ब्रांड्स आए जिन्होंने कंपीट करने की कोशिश की शाओमी से, चाहे वो ऑनर की बात कर लीजिए, चाहे वो रियलमी की बात कर लीजिए। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कम पड़ ही जा रहे थे और शाओमी हमेशा किसी ना किसी मार्जिन से आगे निकल ही जा रहा था। लेकिन फाइनली दोस्तों स्मार्टफोन का किंग जो कि सैमसंग है वो आया, और सैमसंग जब आया दोस्तों तो उसने कसम खा लिया कि अब मैं आ रहा हूं तो पीछे नहीं हटूंगा। पहले हम लोगों को सुनने में आया था कि 3 फोन लॉन्च होगा सैमसंग का, गैलेक्सी M10, M20, M30, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से M30 को लॉन्च नहीं किया और उन्होंने इंतजार किया कि शाओमी का कोई लॉन्च इवेंट हो तभी हम लोग लॉन्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी। सैमसंग जानता था कि शाओमी का जो ब्रांड वैल्यू है वो बना हुआ है, अभी शाओमी का जो भी प्रीमियम जो भी बजट सेगमेंट के फोन से वो काफी ज्यादा बिक रहे हैं, तो पहले हमें सिर्फ 2 ही फोन्स को लॉन्च करना है जिससे लोगों में भरोसा बनाया जा सके। तो उन्होंने गैलेक्सी M10 को लॉन्च किया, M20 को लॉन्च किया, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त डिवाइस तो नहीं थे, लेकिन फिर भी दोस्तों आज तक सैमसंग ने जितनी चीजों को दिया था उनमें ये सबसे ज्यादा बेस्ट थे अगर सैमसंग की बात कर ले तो। ऐसे दोस्तों गैलेक्सी M10 और M20 आने के बाद उसकी काफी ज्यादा दोस्तों प्रेजिंग किया गया, काफी ज्यादा कहा गया कि अच्छा है और लोगों में भरोसा जागने लगा कि सैमसंग यार मिड रेंज में भी अब अच्छा करने लगा है। क्योंकि सैमसंग के बारे में हमारे दिमाग में इमेज बना हुआ था कि सैमसंग जो है मिड रेंज के जो भी डिवाइसेस देता है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, चाहे वो दोस्तों बजट रेंज के जो भी डिवाइसेस देता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, चीप डिवाइस जो भी देता है दोस्तों उतना अच्छा नहीं होता और काफी ज्यादा लैग करता है। लेकिन यही दोस्तों गैलेक्सी M10 M20 के साथ ये बात खत्म हुई और वो डिवाइसेस जो है कम दामों में भी काफी अच्छे डिवाइसेस सामने निकल कर गया है। हालांकि दोस्तों वो डिवाइसेस भी शाओमी से कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो डिवाइसेस भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कम पड़ ही जाते हैं। लेकिन एक शुरुआत अच्छी रही सैमसंग के तरफ से, और सैमसंग ये जानता था कि अगर मैं तीनों के तीनों स्मार्टफोन को एक साथ एक ही दिन में लॉन्च कर दूं तो जो तीसरा फोन हमारा जो गोल्डन फोन होने वाला M30 उसका ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो क्यों ना हम लोग इंतजार करते और ऐसे समय पर लॉन्च करेंगे जब शाओमी खुद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा और उससे उनको और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और उससे उनको और भी ज्यादा अटेंशन मिलेगा और फिर लोगों में और भी ज्यादा डिसाइड करने का ऑप्शन रहेगा कि वो लोग किस फोन के साथ जाए। तो ये काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी दोस्तों। तो M10 और M20 लॉन्च हो गया, दोनों ही काफ़ी अच्छे फ़ोन थे दोस्तों, कुछ कुछ कमियां थी उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों M30 को वो लोग बचा करके रखे और वो लोग इंतज़ार किए कि आखिर Xiaomi कब अनाउंस करेगा कि उनका Redmi Note 7 लॉन्च होगा। जो Redmi Note 7 है दोस्तों वो अपने आप में एक ज़बरदस्त डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 660 है जो कि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है और वो भी फुल फ्लैश, इसमें किसी भी तरह का अंडरक्लॉक नहीं किया गया, 48 मेगापिक्सल का कैमरा कहा जा रहा है दोस्तों, जो कि 0.8 माइक्रोन पे तो सैमसंग का GM1 सेंसर है। उसी के साथ दोस्तों आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाती है, वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है, ग्रेडियंट बैक मिल जाता है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि इसमें मिल जाता है। तो यहां पे शाओमी बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है रेडमी नोट 7 के साथ। साथ ही साथ दोस्तों ये जो इसकी जो प्राइसिंग है वो 10,000 से 12,000 रुपए के बीच में रखी जाएगी, तो ये जो है एक बहुत ही झकास बात होगी शाओमी वालों के लिए जो भी ये फोन को लॉन्च करेंगे। लेकिन दोस्तों सैमसंग ने इंतजार किया कि शाओमी को हम लोग जो है लॉन्च करने देते हैं, शाओमी को
करने देते हैं लॉन्च, देखते हैं वो क्या लॉन्च करते हैं, कितने तारीख को लॉन्च करते हैं। और Xiaomi ने जैसे ही डेट को रिवील किया कि 28 तारीख को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं Redmi Note 7, अगले दिन Samsung ने रिवील कर दिया कि 27 तारीख को हम लोग लॉन्च करेंगे Samsung का Galaxy M30। और यहाँ पे दोस्तों मुझे लगा कि सच में Samsung ने बिल्कुल ही कसम खा के रख लिया है कि अब जो है Xiaomi को बिल्कुल ही बर्बाद कर देना है। तीनों के हैशटैग देखिए दोस्तों, जब Samsung का Galaxy M10 M20 लॉन्च हुआ तो उस वक्त जो हैशटैग था वो था IMPowered। तो IMPowered का मैंने मजाक भी उड़ाया था, जो भी था दोस्तों, तो IMPowered था हैशटैग। उसके बाद जब Xiaomi ने कहा तो उन्होंने अपना एक हैशटैग दिया MePowered, यानी कि Redmi Note 7 के लॉन्च के लिए जो टीजर कर रहे थे उन्होंने हैशटैग दिया MePowered, तो IMPowered से बन गया MePowered। लेकिन दोस्तों जब Samsung अपना फोन लॉन्च करने जा रहा 27 तारीख को तो उन्होंने फिर से अपना एक नेक्स्ट जो है यहाँ पे हैशटैग दिया जिसका नाम है IM3XPowered। तो ये जो 3XPowered क्या है दोस्तों, तो उन्होंने टीज कर दिया बैक में ट्रिपल कैमरा। अब यहाँ पे होने लगी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन, क्योंकि Xiaomi का Redmi Note 7 48 मेगापिक्सल का कैमरा अगर दे रहा है तो Samsung भी कम नहीं है, बैक में वो लोग ट्रिपल कैमरा दे रहा है। तो ये जो है दोस्तों सच में 3XPowered हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कह लो दोस्तों जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो असल में 12 मेगापिक्सल के बराबर ही रिजोल्यूशन प्राप्त करेगा दोस्तों, 12 मेगापिक्सल के बराबर ही दोस्तों उसकी क्वालिटी होने वाली है। थोड़ा सा इन्हांसमेंट होगा, थोड़ा सा कलर अच्छा होगा, थोड़ा सा शार्पनेस अच्छा होगा अगर आप प्रो मोड में 48 मेगापिक्सल मोड में जाकर के वहां पे शूटिंग करते हो, तो थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी यहां पे अगर बैक में ट्रिपल कैमरा होता है और वो ट्रिपल कैमरा का सेटअप अच्छा होता है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं 12 मेगापिक्सल का नॉर्मल लेंस तो होगा ही, 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी होगा ही जो कि Samsung की तरफ से, तीसरा कैमरा क्या होगा इसके बारे में भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, वो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा होगा या फिर 5 मेगापिक्सल का आपको जो है टेलीफोटो लेंस होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन Xiaomi ने कह दिया, Samsung ने कह दिया कि ये जो है IM3XPowered, यहां से लग रहा है कि कंपटीशन अब शुरू हो चुकी है। तो इससे फायदा किसका होने वाला है दोस्तों, हम कंज्यूमर्स को, क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां भी कंपटीशन होता है वहां इंप्रूवमेंट होता है, और जहां कंपटीशन नहीं होता है वहां इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्रांड्स अब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, रियलमी, ओप्पो, आसूस, ऑनर, Xiaomi और Samsung, ये जो 6 ब्रांड्स है दोस्तों, ये जो है 6ों के 6 ब्रांड्स अपने आप में कंपीट कर रहे हैं, और अगर इन सब में जो है अपने आप में कंपटीशन होगा तो ज़रूर इंप्रूवमेंट होगा। वरना दोस्तों पहले ऐसा था, आज से 1.5 साल 2 साल पहले कि सिर्फ और सिर्फ Xiaomi टॉप पे था तो हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। आपने देखा होगा 2 सालों तक लगातार वो हमें स्नैपड्रैगन 625 खिलाते रहे और हमें स्नैपड्रैगन 625 खाते रहे। लेकिन दोस्तों फाइनली अब टाइम आ गया है कि Xiaomi किसी भी चिपसेट के साथ वो स्टक नहीं कर सकता है, फाइनली वो टाइम आ गया है कि Xiaomi एक ही चीज हमें बार बार नहीं बेच सकता है, और फाइनली दोस्तों ये टाइम आ गया है कि अब सभी ब्रांड्स को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और इंप्रूव करके ये दिखाना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा जो है अच्छा फोन बनाते हैं और वो कितना ज्यादा जो है यूनिट्स को सेल करते हैं। बाकी के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बात करना था और इतना ही आपको बताना था कि दोनों ही ब्रांड्स के बीच में बहुत ही बड़ी कंपटीशन होने वाली, और ये देखने में मजा आएगा 27 तारीख को Samsung Galaxy M30 के लॉन्च में और 28 तारीख को Redmi Note 7 के लॉन्च में कि आखिर कैसा रिएक्शन होता है पब्लिक को और पब्लिक किसे चूज करती है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और माय वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।